सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। और आपने बच्चों के लिए नए साल के लिए कुछ नया गिफ्ट सोचा है, तो उसके बारे में थोड़ा कुछ बताएं हमारे ऑडियंस के लिए कि क्या ये नया गिफ्ट है। जो नया गिफ्ट है नया साल के लिए वो है छोटा भीम हिमालयन एडवेंचर। आपके सामने आ रहा है नया फिल्म भीम का, नया अवतार भीम इन हिमालयन एडवेंचर। ये एक थिएट्रिकल फिल्म है जो आ रहा है 8th of January 2016 को, और इसमें भीम को नया अवतार दिया गया। अगर आप वंडरिंग इफ दिस इज़ छोटा भीम और नॉट, यस दिस इज़ छोटा भीम। हाँ, ये शर्ट पहना हुआ है और इसके नए कपड़े आए हैं। द रीज़न फॉर दैट इज़ बिकॉज ये हिमालयस जा रहा है और हिमालयस में बहुत ठंड है, इसीलिए पूरा गेड है विद दिस विद अ मंकी कैप विद ग्लासेस विद ग्लव्स एंड एवरीथिंग। सो ये रेडी है टू गो ऑन अ स्कीइंग एडवेंचर, एंड ये हमारी सबसे बेस्ट फिल्म है एंड ये बच्चों के लिए परफेक्ट है। सो किड्स एंड पेरेंट्स प्लीज कम एंड सी दिस मूवी। पहले दो पार्ट से ये फिल्म कैसे अलग होगी और ये आइडिया कैसे आया आपको कि ऐसे कोई एडवेंचर होना चाहिए? जी, हमारी जो पहले दो फिल्म बने थे आई थिंक वो थोड़ा उसमें ज़्यादा फन एलिमेंट्स मैंने देखा कि उतना बच्चे उतना मूवी में हंसे नहीं। तो मेरे लिए एक फिल्म बच्चों के लिए फिल्म होती है, एटलीस्ट उसमें 20-30 बार बच्चे हंसना चाहिए, जो आई थिंक हमारी फिल्म में थोड़ा फर्स्ट टू मूवीज में मिसिंग इट वॉज मिस्ड आउट। बट इस फिल्म में आई थिंक आई विल गारंटी यू दैट 20 to 20 to 30 टाइम्स बच्चे हंसेंगे और एन्जॉय करेंगे, बिकॉज इस फिल्म में हर वो एलिमेंट है, स्नो, आइस, स्कीइंग, यू नो, फन, एडवेंचर, हर वो एलिमेंट है जो बच्चों को पसंद आएगा। एंड इसमें सबसे बड़ी द मोस्ट एंड द लोकेशन भी बहुत मैग्नोनिमस है, बहुत लार्जर देन लाइफ है, हिमालयस एंड आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस ऑन अर्थ। सो इस पे बेस किया है। ऑफ कोर्स हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट था इस टेरेन को कैप्चर करने में इन एनिमेशन। इसके अंदर कहा जा रहा है कि विलन नहीं होगा, तो थोड़ा फन एलिमेंट कम नहीं हो जाएगा अगर विलन नहीं होगा? नो, इस फिल्म में विलन है और एक हम फर्स्ट टाइम विलन पे सॉन्ग भी किया है, और इस फिल्म का नाम हिडन बक है। एंड इस पे आई थिंक हमने एक्चुअली इस फिल्म में विलन को उतना बिग रोल देने की प्लान नहीं किया था इनिशियली, बट इस कैरेक्टर ये कैरेक्टर हिडन बक जो आया था, इट्स टर्नड आउट कि ये हमारी वन ऑफ द बेस्ट विलन्स है एंड एथलेटिकली स्ट्रॉन्ग है एंड वो स्की वन ऑफ द बेस्ट स्कीइंग गाइस इन हिमालय। सो इस विलन का वो कैरेक्टरिस्टिक्स है एंड ऑफकोर्स भीम के साथ फेस ऑफ होगा, एंड ऑब्वियसली तुम्हें फिल्म देखना कि कौन जीतेगा, भीम जीतेगा या हिडन बक जीतेगा। बच्चों के जो पहले दो सीरीज बनाए थे तो उसके ऊपर क्या कॉम्प्लीमेंट आए थे आपको जो आपने इस पार्ट को बनाने के लिए सोचा? जी, एक चीज़ हमने देखा था कि भीम इतना बड़ा हो गया था, लार्जर देन लाइफ हो गया था, कि ऑडियंस बच्चे थे, दे वर नॉट सेटिस्फाइड सिर्फ टीवी में देख के। हमें लगा भीम को अभी टाइम आ गया कि उसे उनको कुछ बड़ा अवतार दे, दैट इज़ थिएटरिकली रिलीज करे। एंड जब हमारी फर्स्ट फिल्म थी हमने एक अटेम्प्ट किया था, हमने एंड वो जब हमने रिलीज़ किया था आई वॉज सरप्राइज टू सी सो मेनी हाउसफुल शोज़, कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एनिमेटेड फिल्म, एंड बहुत लो की फिल्म थी, मार्केटिंग नहीं थी, कुछ किया नहीं था, बट द फिल्म बिकेम एन इंस्टेंट हिट। ब्यूटीफुल रिस्पॉन्स आया था ऑडियंस को, उनको बहुत पसंद आया था। सो इमीडिएटली मुझे लगा कि हमें और भी चीज़ें करनी चाहिए, बिकॉज बच्चों की फेवरेट कैरेक्टर बड़ी स्क्रीन पे आना, उससे बड़ी बात बच्चों के लिए और चीज़ नहीं है। सो आई थिंक वी आर एम्युलेटिंग द सेम थिंग व्हाट वी हैव डन इन द पास्ट, और भीम की तीसरी फिल्म आ रही है एंड वी आर वेरी एक्साइटेड। ये भीम छोटे पर्दे पर भी दिखाई देगा या फिर सिर्फ बड़े पर्दे पर? फिलहाल तो बड़े पर्दे पे आएगा भीम, एंड एट सम पॉइंट ऑफ कोर्स छोटे पर्दे पे आएगा, बट एट द मोमेंट ही विल बी ऑन द बिग स्क्रीन। और इस फिल्म की एक्सपीरियंस थिएटर में ही होना चाहिए, बिकॉज द म्यूजिक ऑफ द फिल्म एंड द लोकेशंस आर सो गुड दैट आई थिंक फिल्म की मजा थिएटर में है। इस भीम में आपने कॉस्ट्यूम तो काफी चेंज कर दिया, उनके सुपर पावर में कोई चेंजेस आए हैं? आई थिंक भीम रहा है सिर्फ, अच्छे कपड़े मैंने, स्मार्ट लग रहा है, और भी स्मार्ट लग रहा है, ऑलरेडी है स्मार्ट, बट प्रेटी मच पावर वाइज एंड ऑल सेम है, बट एक नया स्किल सीखेगा भीम इस फिल्म में, वो है स्कीइंग। इसके अलावा जो है आपके फिल्म में हमेशा एक मैसेज होता है, एक फन एलिमेंट होता है, तो क्या इस फिल्म से भी ऐसा कोई मैसेज होगा बच्चों के लिए? जी, इस फिल्म में काफ़ी मैसेजेस है बच्चों के लिए, यू नो, एक टीम की तरह खड़ा होना, साथ रहना, यूनिटी एंड फाइटिंग विद बिगर एनिमी, ऑल दीज थिंग्स। इसमें द कैरेक्टर जो ट्रबल में जाता है, स्टैंडिंग फॉर फ्रेंडशिप, ये सब मैसेजेस हैं, बहुत सारी मैसेजेस हैं। इनवाइट डे दैट आई डोंट वॉन्ट टू मैंशन एवरीथिंग हेयर, बट
आपको फिल्म देखना चाहिए। आखिर में ऑडियंस से कुछ कहना चाहेंगे जो बच्चे हमें देख रहे हैं इस बार, तो न्यू ईयर के लिए कोई विश उनके लिए? बच्चों आई थिंक आप ज़रूर जाइएगा छोटा भीम हिमालयन एडवेंचर देखने, आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में जल्द आ रहा है 8th of January 2016। भी देर लव भीम, लाइक भीम एंड सपोर्ट छोटा भीम। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।